हेलो एंड नमस्ते। टुडे आई केम विद वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर ऑन एंटी डायबिटीज ड्रग्स और यू कैन से फार्माकोथेरेपी ऑफ डायबिटीज मेलिटस। सो बिफोर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एंटी डायबिटीज ड्रग्स, दस विल डिस्कस ऑन इंट्रोडक्शन टू डायबिटीज मेलिटस। सो डायबिटीज मेलिटस इज बेसिकली डिफाइंड एज इट इज अ क्रोनिक मेटाबोलिक डिसऑर्डर कैरेक्टराइज बाई हाइपरग्लाइसीमिया, ग्लाइकोजूरिया, हाइपरलिपिडेमिया, इंसुलिन डिफिशेंसी एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस। इट इज अ मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायबिटीज मेलिटस। सो हाइपरग्लाइसीमिया मीन्स इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन, ग्लाइकोजूरिया मीन्स ग्लूकोज प्रेजेंट इन यूरिन, हाइपरलिपिडेमिया मीन्स इंक्रीज लिपिड कोलेस्ट्रॉल या ब्लड कोलेस्ट्रॉल, इंसुलिन डिफिशेंसी रिड्यूस्ड सेरम इंसुलिन, ऑन इंसुलिन रेजिस्टेंस मीन्स इंसुलिन डज नॉट फंक्शन प्रॉपरली। सो दीज आर द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स, हाइपरग्लाइसेमिया, ग्लाइकोजूरिया, हाइपरलिपिडेमिया, इंसुलिन डिफिशेंसी एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस इज अ मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायबिटीज मेलिटस। अगर आप हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज मेलिटस, सो अराउंड 3000 ईयर्स एगो, by ancient Egyptians named Aratus of Cappadocia was coined the term diabetes, but the polyuria or sweet tasting, जो urine में sugar present होता है, these are the major characteristics, that is glucosuria, I have already discussed, these are major characteristics of diabetes mellitus, और ये first time report किया गया था in Indian literature by Susrat, but in 1675 only, जबकि ये रिपोर्ट किया गया था 15th to 16th century में, लेकिन 1675 में आके थॉमस विलिस हु क्वाइंड द टर्म मेलिटस बाय ऑब्जर्विंग दैट द पेशेंट ऑफ डायबिटीज पासिंग द यूरिन प्रेजेंस विद ग्लूकोज। इन्होंने फर्स्ट टाइम रिपोर्ट किया डायबिटीज पेशेंट के यूरिन में ग्लूकोज प्रेजेंट है, शुगर प्रेजेंट है, मतलब स्वीट टेस्ट होता है, हनी स्वीट इसको बोलते हैं, मेलिटस को बोलते हैं हनी स्वीट, और वहां से इन्होंने टर्म दिया मेलिटस, एंड आफ्टर दैट डायबिटीज बिकम डायबिटीज मेलिटस। बट माइलस्टोन इन द हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज इज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लिवर इन ग्लाइकोजेनेसिस एंड द कंसेप्ट दैट डायबिटीज इज ड्यू टू एक्सेस ग्लूकोज प्रोडक्शन बाय क्लॉड बर्नार्ड। लेकिन माइलस्टोन तब हुआ जब क्लॉड बर्नार्ड ने बताया डायबिटीज इज बिकॉज ऑफ एक्सेस ग्लूकोज प्रोडक्शन। रोल ऑफ पैंक्रियाज इन पैथोजेनेसिस ऑफ डायबिटीज वाज डिस्कवर्ड बाय मेरिंग एंड मिनकोवस्की इन 1889 में मेरिंग एंड मिनकोवस्की ने पहली बार रिपोर्ट किया रोल ऑफ पैंक्रियाज इन डायबिटीज बिकॉज द बीटा सेल्स ऑफ पैंक्रियाज सेक्रेटिंग इंसुलिन। नॉन डाइजेस्टिव पार्ट ऑफ पैंक्रियाज प्रिवेंट डायबिटीज एंड इट वॉज नेम्ड इंसुलिन बाई डी मेयर इन 1909 में डी मेयर ने बताया कि जो पैंक्रियाज के नॉन डाइजेस्टिव पार्ट है दैट इज बीटा सेल और वो एक हार्मोन सीक्रेट कर रहा था जिसका नाम था इंसुलिन एंड दे आर प्रिवेंटिंग द डायबिटीज मीन्स इंसुलिन दे आर रेगुलेटिंग द ब्लड शुगर या रिड्यूसिंग द ब्लड शुगर कंसेंट्रेशन एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ इंसुलिन वॉज by Banting and based in 1921. So these are some major discoveries regarding diabetes mellitus. अब आते हैं diabetes mellitus कितने टाइप के होते हैं, तो we can say mainly two types of diabetes mellitus nowadays, type 3 and type 4 also, we can say gestational diabetes mellitus and mellitus of any hormonal disorder, but mainly two types of diabetes are there, that is type 1 diabetes mellitus. और type 1 को क्या कहते हैं, insulin dependent diabetes mellitus. इसमें होता क्या है type 1 में, so दो patient है type 1 का, उनका pancreas sufficient amount में insulin secretion नहीं कर पाता है, pancreas destroy हो गया होता, तो ऐसे cases में जो patient होते हैं टोटली डिपेंड ऑन इंसुलिन, अगर आप उनको इंसुलिन हम नहीं देंगे तो उनका डेथ होने का चांस रहेगा, कॉम्प्लिकेशन होने का चांस रहेगा, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस।
और ये टाइप 1 डायबिटीज है वो ज्यादातर यंगर एज में होते हैं, इसीलिए उनको बोलते हैं ऑल्सो जुवेनाइल डायबिटीज मेलाइटिस, बिकॉज इट अकर इन जुवेनाइल फेज, दैट इज कॉल्ड जुवेनाइल डायबिटीज मेलाइटिस। सो टाइप 1 इज ऑल्सो कॉल्ड जुवेनाइल डायबिटीज मेलाइटिस और इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस। अनदर इज अ टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस, या यू कैन से नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस। ये टाइप 2 के जो पेशेंट होते हैं इनका पैंक्रियाज फंक्शनल होते हैं और ये इंसुलिन सीक्रेट भी करते हैं। द टाइप 2 पेशेंट डज नॉट डिपेंड ऑन इंसुलिन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस। ये दूसरा कारण हो सकता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया हो, रिसेप्टर में प्रॉब्लम हो गया हो और मसल्स ग्लूकोज ऑप्टेक नहीं कर पा रहा हो बिकॉज ऑफ रिसेप्टर प्रॉब्लम, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस। फार्माकोथेरेपी ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस, अब डायबिटीज मेलाइटिस इज अ वेरी ओल्ड डिसीज, इसको हिंदी में मधुमेह कहते हैं। डायबिटीज मेलाइटिस इज ऑल्सो कॉल्ड मधुमेह इन हिंदी एंड इट इज डिसीज नोन फॉर द एजेस, बहुत ही पुराना डिसीज है, बट इट्स फार्माकोथेरेपी इज जस्ट ओवर 19 ईयर्स ओल्ड। 1921 में इंसुलिन आया बट अन इफेक्टिव ओरली, इंसुलिन आया लेकिन ओरल नहीं दे सकते हैं। सर्च वॉज कंटिन्यू फॉर ओरल इफेक्टिव एजेंट, रिसर्च शुरू हुआ कि अब ऐसा ओरल इफेक्टिव ड्रग बनाया जाए ताकि ओरली दे सके, जो चीप हो, इफेक्टिव हो, पेशेंट कैन टेक इजिली और ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन को रिड्यूस कर सके। इन दिस केस, इन दिस वे, सिंथालिन ए वॉज द ड्रग दैट वॉज अ बिगुनाइट वॉज द अर्लीस्ट ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स टू बी यूज इन थेरापी बट वॉज टू टॉक्सिक। सिंथालिन ए एज अ बिगोनाइट डिस्कवरी हुआ, दिस वॉज अ ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट बट वॉज टू टॉक्सिक, देन आफ्टर दैट इट वॉज विदड्रॉन फ्रॉम द मार्केट। अ चांस ऑफ ऑब्जर्वेशन बाई जैनबोन इन 1942 लीड टू द डिस्कवरी ऑफ हाइपोग्लाइसेमिक एक्शन ऑफ सल्फोनामाइड। जैनबोन इन 1942 में सल्फोनामाइड को ऑब्जर्व किया कि सल्फोनामाइड वॉज रेस्पॉन्सिबल फॉर रिडक्शन ऑफ ब्लड ग्लूकोज कंसेंट्रेशन एंड इट वॉज फर्दर कन्फर्म बाई फ्रैंक एंड फूच इन 1955। 1955 में इस ऑब्जर्वेशन को अगेन दूसरे साइंटिस्ट ने कन्फर्म किया, दैट वॉज फ्रैंक एंड फूच, एंड दे ऑब्जर्व दैट ब्लड शुगर लोअरिंग एक्शन ऑफ कार्बोटामाइड। कार्बोटामाइड इज अ बेसिकली सल्फोनामाइड डेरिवेटिव एंड ट्रायल्स टू प्रिपेयर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स एंडेड सक्सेसफुली बाई फर्स्ट मार्केटिंग ऑफ टलबुटामाइड एंड कार्बोटामाइड इन 1955। और वहाँ से पहला मार्केटिंग हुआ टलबुटामाइड एंड कार्बोटामाइड इन 1955 एज अ ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। अब लेट्स डिस्कस अबाउट एंटी डायबिटिक ड्रग्स। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ एंटी डायबिटिक ड्रग्स आर अवेलेबल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज। वन इज पैरेंटरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स एंड ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स। एग्जाम में क्या आ सकता है, एज फॉर एग्जाम इज कंसर्न्ड, द फार्माकोथेरेपी ऑफ डायबिटीज और एंटी डायबिटीज ड्रग इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट मेनली आस्क इन लॉन्ग क्वेश्चन। सो दे विल आस्क क्लासिफाई एंटी डायबिटिक ड्रग्स एंड एक्सप्लेन अबाउट यूजेज, एडवर्स इफेक्ट, ड्रग इंट्रैक्शन लाइक सल्फोनिलूरिया और बिगोनाइड्स और एनी अदर ड्रग्स। सो वेन वी आस्क क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी डायबिटिक ड्रग्स इज फर्स्ट वन इज अ पैरेंटरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स एंड सेकेंड इज अ ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स। इन पैरेंटरल इंसुलिन इज देयर, GLP-1 एनालॉग इज देयर, एमाइलिन एनालॉग इज देयर एंड ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स देयर इज सर्टेन वेरियस टाइप्स ऑफ ड्रग्स आर देयर विच डिस्कस लेटर। जब बाद में डिटेल जब हम ओरल एंटी डायबिटिक की बात करेंगे तो क्लासिफिकेशन वल डिस्कस अबाउट ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स। अभी टूडे विल डिस्कस ऑन पैरेंटरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स। तो पैरेंटरल में सबसे पहला फर्स्ट ड्रग इज इंसुलिन। सो इंसुलिन वॉज डिस्कवर्ड इन 1921 बाई बैंटिंग एंड बेस्ट एंड फर्स्ट ऑब्टेंड इन प्योर क्रिस्टलिन फॉर्म इन 1926। इंसुलिन को डिस्कवरी किया गया 1921 में लेकिन इसको प्योर क्रिस्टलिन फॉर्म में इन 1926 में आया एंड इट्स अ पॉलीपेप्टाइड हार्मोन एंड फर्स्ट प्रोटीन टू बी सिक्वेंस्ड बाई सैंगर इन 1956।
इसका सीक्वेंसिंग पॉसिबल हुआ 1956 में, सीक्रेटेड बाय बीटा सेल्स ऑफ लैंगरहांस ऑफ पैंक्रियाज। इट कंसिस्ट ऑफ टू अमाइनो एसिड चेन इन दियर स्ट्रक्चर। इट वॉज ट्रेडिशनली ऑप्टेन फ्रॉम बोवाइन एंड प्रोसीन पैंक्रियाज एंड ह्यूमन इंसुलिन बायोसिंथेसाइज बाय कल्चर ऑफ बैक्टीरिया दैट इज ई कोलाई एंड ईस्ट इज नाउ कॉमन एंड यूज इन क्लिनिकल प्रैक्टिस। दीज आर द स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन, दीज आर द स्ट्रक्चर, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन कंटेन ए चेन एंड बी चेन। ए चेन हैज 21 अमाइनो एसिड एंड बी चेन हैज 30 अमाइनो एसिड लिंक बाई डाइसल्फाइड ब्रिज, डाइसल्फाइड बॉन्ड यू कैन से। दीज आर द टू साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड इंसुलिन, वन इज बैंटिंग एंड इज बेस्ट, बेस्ट वॉज द स्टूडेंट ऑफ बैंटिंग, दे वेर वर्किंग इन देयर लेबोरेटरी एंड इंसुलिन वॉज फर्स्ट यूज इन दिस चिल्ड्रेन। हिज नेम वॉज लियोनार्ड थॉम्सन। डिसम्बर 15, 1922 को फर्स्ट टाइम इंसुलिन यूज किया गया था इस पे, जिसका नाम था थॉम्सन लियोनार्ड, पेशेंट लियोनार्ड थॉम्सन एंड इन आफ्टर ट्रीटमेंट बाय इंसुलिन। सो 15 फरवरी 1923 को ये ऐसा दिख रहा था, मतलब क्योर हुआ डायबिटीज, टाइप 1 डायबिटीज नॉर्मलाइज भी हुआ, कम हुआ, लेकिन फाइनली द पेशेंट लीड टू डेथ बिकॉज दैट इंसुलिन वॉज फुल ऑफ एंटीजेनिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड उस टाइम तक प्योरिफिकेशन नहीं कर पाया था, प्योर क्रिस्टलिन फॉर्म में था लेकिन प्योरीफाई नहीं हो पाया था बिकॉज दैट ऑफ बिकॉज काम तो हुआ लेकिन प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाया, साइड इफेक्ट ज़्यादा हुआ। ये सब चीज़ हम आगे डिस्कस करेंगे। कम टू द इंसुलिन रिसेप्टर्स। सो इंसुलिन रिसेप्टर्स दैट इज बीटा चेन, दिस इज इंसुलिन रिसेप्टर्स लाइक अल्फा चेन एंड बीटा चेन। अल्फा चेन हैज इंसुलिन बाइंडिंग साइट, दिस इज इंसुलिन बाइंडिंग साइट। सो इंसुलिन रिसेप्टर्स पे दो चेन होगा अल्फा एंड बीटा, एंड अल्फा सब यूनिट पे इंसुलिन बाइंडिंग साइट रहेगा जहां पे इंसुलिन बाइंड करेगा, और ये बीटा चेन में फॉस्फोरिलेशन करेगा इंट्रासेलुलरली। अभी कैसे काम करता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ इंसुलिन। सो व्हेन इंसुलिन बाइंड्स ऑन अल्फा सब यूनिट, सी इंसुलिन बाइंड्स ऑन अल्फा सब यूनिट, इंसुलिन बाइंड्स एंड एक्टिवेट्स अल्फा सब यूनिट ऑफ द इंसुलिन रिसेप्टर्स ऑन टारगेट सेल, स्टिमुलेट्स टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी इन बीटा सब यूनिट। जैसे ही अल्फा सब यूनिट पे बाइंड करेगा एट इंसुलिन रिसेप्टर बाइंडिंग साइट यहाँ पे, तो ये बीटा सब यूनिट में, बीटा सब यूनिट में इंट्रासेलुलरली क्या करेगा, टायरोसिन एक्टिविटी व्हिच अल्टर्ड एंजाइम एक्टिविटी, क्या करेंगे, एक्टिवेट कास्केड ऑफ रिएक्शंस, फॉस्फोरिलेशन एंड डीफॉस्फोरिलेशन, रिजल्टिंग इट विल स्टिमुलेट और इनहिबिट्स द एंजाइम, मीन्स इट अल्टर द एंजाइम एक्टिविटी, रिजल्टिंग रिस्पॉन्स, और रिस्पॉन्स क्या होगा, इंक्रीज ग्लूकोज अपटेक और रिड्यूस ग्लूकोनियोजेनेसिस। सो इन दिस वे इंसुलिन इज गोइंग टू एक्ट इन आवर बॉडी। अगेन हम रिपीट कर रहा हूँ, अगेन आई एम रिपीटिंग, व्हेन इंसुलिन बाइंड्स ऑन इंसुलिन रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन अल्फा सब यूनिट, जैसे अल्फा सब यूनिट पे इंसुलिन बाइंड करेगा तो बीटा सब यूनिट में ये एक्टिवेट करेगा टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी जो फॉस्फोरिलेशन एंड डीफॉस्फोरिलेशन करेगा, वो क्या कर देगा, ये एंजाइम एक्टिविटी को अल्टर करेगा या स्टिमुलेट करेगा और इनहिबिट करेगा। उसके बाद क्या होगा, रिस्पॉन्स प्रोड्यूस्ड होगा, और रिस्पॉन्स क्या होगा, ग्लूकोज अपटेक विल इंक्रीज और ग्लूकोनियोजेनेसिस विल बी डिमिनिश्ड। सो दीज आर द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ इंसुलिन, हाउ इंसुलिन गोइंग टू इंड्यूस अपटेक ऑफ ग्लूकोज बाय द सेल्स और रिड्यूस द ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन इन द बॉडी। सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन, अब इंसुलिन सिक्रेशन कैसे होता है, तो सबसे पहले तो इंसुलिन तभी सिक्रेशन होगा जब ग्लूकोज ज़्यादा होगा ब्लड में, व्हेन द ग्लूकोज कंसंट्रेशन इंक्रीज इन द ब्लड देन इंसुलिन गेट सिक्रेटेड फ्रॉम द पैंक्रियाज। हाउ,
तो पहले क्या होगा, ग्लूकोज प्रेजेंट इन यूरिन विल बी इंक्रीज, उसके बाद ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट इन द सेल दे बाइंड्स विद द ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर कजेस ग्लाइकोलाइसिस एंड साइट्रिक एसिड साइकिल। उसके बाद क्या होगा, एटीपी जनरेट होगा, एटीपी विल जनरेट आफ्टर द साइट्रिक एक्टिवेशन ऑफ साइट्रिक एसिड साइकिल। देन व्हाट विल हैपन, पोटासियम चैनल गेट क्लोज्ड, जैसे ही एटीपी रिलीज होगा उसके बाद पोटासियम चैनल क्लोज हो जाएगा, तो ज्यादा से ज्यादा पोटासियम क्या होगा अंदर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, लेस पोटासियम लीव्स द सेल, अंदर पोटासियम ज्यादा हो जाएगा, पोटासियम बाहर नहीं आ पाएगा। उसके बाद क्या होगा, सेल गेट डिपोलराइज्ड, जैसे डिपोलराइजेशन होगा देन कैल्शियम चैनल विल ओपन, दिस कैल्शियम चैनल विल ओपन, हेंस मोर कैल्शियम इंटर्स इनटू द सेल, मोर कैल्शियम इंटर्स इनटू द सेल कॉजेज दिस कैल्शियम एंट्री ट्रिगर्स एक्जोसाइटोसिस एंड इंसुलिन सीक्रेटेस, कॉजेज इंसुलिन सीक्रेटेस। फाइनल क्या होगा, एक्जोसाइटोसिस होगा बिकॉज ऑफ कैल्शियम चैनल्स ओपनिंग एंड कैल्शियम चैनल, मोर कैल्शियम एंड ट्रिगर्स एक्जोसाइटोसिस एंड इंसुलिन क्या होगा, रिलीज होगा। इन दिस वे इंसुलिन सीक्रेशन अकर्स फ्रॉम बीटा सेल ऑफ पैंक्रियाज। एक्शन ऑफ इंसुलिन ऑन मेजर टारगेट एक्शंस, मेजर टारगेट ऑर्गन्स पे, एंड मेजर एक्शन ऑफ इंसुलिन ऑन मेजर टारगेट ऑर्गन्स मीन्स लीवर हो गया, एडिपोज टिश्यू हो गया, स्केलेटल मसल्स हो गया, इस पर कैसे काम करेगा। सो मेटाबोलिज्म ऑन कार्बोहाइड्रेट मेटाबोलिज्म, एडिपोज टिश्यूज पे क्या करेगा, इंक्रीज ग्लूकोज अपटेक, लीवर पे क्या करेगा, इंक्रीज ग्लाइकोजन सिंथेसिस एंड स्टोरेज, डिक्रीज ग्लाइकोजिनोलाइसिस एंड नियोग्लूकोजेनेसिस। स्केलेटल मसल्स पे क्या करेगा, इंक्रीज ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन, इंक्रीज ग्लाइकोजन सिंथेसिस एंड डिपोजिशन। फैट मेटाबोलिज्म पे क्या करेगा, ऑन इन एडिपोज टिश्यू डिक्रीज लाइपोलाइसिस, इन लीवर इंक्रीज लाइपोजेनेसिस, डिक्रीज कीटोजेनेसिस, इन स्केलेटल मसल्स डिक्रीज लाइपोलाइसिस। दीज आर द एक्शन ऑफ इंसुलिन ऑन लीवर, एडिपोज टिश्यू, स्केलेटल मसल्स। What will happen on protein metabolism? Let's see. On protein metabolism, on adipose tissue, it will not significantly happens in adipose tissue. In liver, in protein metabolism, decrease protein breakdown or increase protein synthesis. Skeletal muscles, increase amino acid transport into the cell and protein synthesis, decrease protein breakdown. So these are the major actions which are occurred by insulin on liver, skeletal muscles, adipose tissues, on carbohydrate metabolism, protein metabolism and fat metabolism. इसको आप नोट भी बना सकते हो, आप स्लाइड को पॉज करो, वीडियो को पॉज करो और नोट तैयार कर सकते हो फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इट इज वेरी गुड एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन ऑल्सो। अब प्रिपरेशन ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन कौन सा फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल है, तो वन इज रैपिड एक्टिंग इंसुलिन और इंसुलिन अलग बोलते हैं इंसुलिन, इसका एग्जांपल हो गया इंसुलिन लिस्प्रो, इंसुलिन स्पार्ट, इंसुलिन गिलिलुसिन, ये सब रैपिड एक्टिंग इंसुलिन है। शॉर्टर एक्टिंग इंसुलिन, रेगुलर इंसुलिन या प्लेन इंसुलिन, इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन, आइसोफेन इंसुलिन, आइसोफेन जिंक संस्पेशन इंसुलिन, लॉन्गर एक्टिंग इंसुलिन एनालॉग, इंसुलिन ग्लार्जिन, इंसुलिन रेटिमिर, प्रोटामिन जिंक इंसुलिन, और इंसुलिन मिक्सर भी आते हैं जो कॉम्बिनेशन ऑफ 20-50% ऑफ रेगुलर और रैपिड एक्टिंग विथ 80-50% ऑफ NPH एनालॉग विथ एनालॉग्स, लॉन्गर एक्टिंग एनालॉग्स। सो दीज आर द प्रिपरेशन ऑफ इंसुलिन, जितने भी इंसुलिन है या तो रैपिड एक्टिंग होगा या शॉर्ट एक्टिंग होगा, इंटरमीडिएट एक्टिंग होगा, ओके, कोई रेगुलर में आएगा, कोई आइसोफेन में आएंगे। सो दीज आर द प्रिपरेशन ऑफ इंसुलिन प्रेजेंट इन द मार्केट। प्रिपरेशन इंसुलिन में ये रेगुलर जो इंसुलिन है उसको क्या बोलते हैं, रेगुलर बेसिकली इट इज अ बफर्ड न्यूट्रल पीएच सॉल्यूशन ऑफ अनमोडिफाइड इंसुलिन स्टेबलाइज्ड बाय स्मॉल अमाउंट ऑफ जिंक। जितने भी रेगुलर इंसुलिन आपको मार्केट में मिलेंगे या रेगुलर इंसुलिन हमारे पास है, वो बेसिकली बफर्ड न्यूट्रल पीएच सॉल्यूशन है जिसको मॉडिफाई नहीं किया गया है और स्टेबलाइज किया गया है स्मॉल अमाउंट ऑफ जिंक के द्वारा। दूसरा लेंटे इंसुलिन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंसुलिन, जिंक सस्पेंशन हैव बीन प्रोड्यूस्ड। लेंटे इंसुलिन में
two types of insulin zinc suspension have been produced. One with large particle is crystalline and practically insoluble in water, उसको अल्ट्रालोंटे भी बोल सकते हैं, अल्ट्रालोंटे भी कह सकते हैं. Another is a long acting, another is a long acting. The other has a smaller particle and amorphous, that is called semilente and is short acting. First one is a ultralente, it is long acting. Second is the amorphous semilente and is short acting. Their ratio is 7:3 called lente insulin and is intermediate acting. Ultralente, long acting, semilente, short acting, and lente insulin, that is intermediate acting. Isophen, neutral protamine, hec, dorn or NPH insulin, we can say इस फॉर्म में भी इंसुलिन प्रेजेंट होते हैं. सो प्रोटामिन इज एडेड इन अ क्वांटिटी जस्ट सफिशियंट टू कॉम्प्लेक्स ऑल इंसुलिन मॉलिक्यूल्स. नाइदर इंसुलिन और नॉर प्रोटामिन इज प्रेजेंट इन फ्री फॉर्म एंड pH इज न्यूट्रल. सो इन दिस फॉर्म इंसुलिन इज प्रिपेयर्ड एंड अवेलेबल इन मार्केट. लेट्स डिस्कस अबाउट what are the types of insulin. So if we talk about types of insulin, first type is conventional insulin, yeah, conventional preparation can say it is obtained from beef or pork or pancreas, contain approximate 1% or you can say 10,000 ppm of other proteins which are potentially antigenic, thus no more used in most of the countries. Conventional preparation में 1% और 10,000 ppm तक antigenic activity हो सकते हैं. That's why बहुत सारे countries में use नहीं होते. Nowadays it is totally replaced by highly purified pork insulin or human insulin or insulin analogs. Low cost conventional preparation is still used in India. क्योंकि इसका कॉस्ट कम होता है तो आजकल भी कहीं कहीं या हमारे इंडिया में यूज होते हैं. और कन्वेंशनल इंसुलिन इज अवेलेबल इन रेगुलर फॉर्म, दैट इज रेगुलर इंसुलिन. सो दिस इज बफर्ड सॉल्यूशन ऑफ अनमोडिफाइड इंसुलिन स्टेबलाइज्ड बाय जिंक. इंसुलिन मॉलिक्यूल्स एग्रीगेट टू फॉर्म हेक्सामर अराउंड द जिंक आयंस. जिंक आयंस के सराउंडिंग में एक हेक्सामर फॉर्म करते हैं. तो ऑन सबक्यूटेनियस इंजेक्शन इंसुलिन रिलीज ग्रेजुअली बाय डाइल्यूशन, हेंस अब्जॉर्प्शन अकर्स स्लोली. सो पीक एक्शन प्रोड्यूस्ड आफ्टर 2 to 4 hours एंड कंटिन्यू अप टू 6 to 8 hours. सो दिस इज अबाउट रेगुलर प्रिपरेशन ऑफ कन्वेंशनल प्रिपरेशन. This conventional preparation also available in lente insulin या lente form you can say. So two types of zinc insulin and zinc suspension have been produced. The one with large particle is crystalline and practically insoluble in water, and other has a smaller particle, is amorphous and short acting. Their 3:7:3 ratio mixture is called lente insulin and intermediate acting. तो इसमें लेंटे प्रिपरेशन में भी कन्वेंशनल इंसुलिन अवेलेबल है. थर्ड वन इज आइसोफेन में भी अवेलेबल है, दैट इज न्यूट्रल प्रोटामिन हेक्टर. सो प्रोटामिन एडेड इन द क्वांटिटी जस्ट सफिशियंट टू कॉम्प्लेक्स ऑल इंसुलिन मॉलिक्यूल्स व्हिच आर ऑलरेडी डिस्कस्ड, टू प्रेजेंट इन फ्री फॉर्म एंड पीएच इज न्यूट्रल. सो ऑन सबक्यूटेनियस इंजेक्शन कॉम्प्लेक्स डिसोसिएट स्लोली एंड यील्ड इंटरमीडिएट एक्टिंग. सो कन्वेंशनल प्रिपरेशन तीनों फॉर्म में अवेलेबल है, आइदर रेगुलर में भी अवेलेबल है, लेंटे इंसुलिन में भी अवेलेबल है, आइसोफेन में भी अवेलेबल है, एंड अदर इज अ प्रोटामिन जिंक इंसुलिन में भी प्रोटामिन इंसुलिन में भी कन्वेंशनल प्रिपरेशन अवेलेबल है. कंटेन एक्सेज ऑफ प्रोटामिन थोड़ा एक्सेज है. सो कॉम्प्लेक्स इंसुलिन रिलीज मोर स्लोली, हेंस लॉन्गर एक्टिंग प्रिपरेशन रिजल्ट्स एंड रेयरली यूज्ड. प्रोटामिन से क्या एक बेनिफिट है कि ये होने से इंसुलिन स्लोली रिलीज होगा और जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो इंक्रीज हो सकता है, लेकिन इट इज रेयरली यूज, बहुत कम चांस होता है इसको यूज होने का, बहुत रेयरली यूज होता है. अनदर टाइप्स ऑफ इंसुलिन इज हाईली प्यूरिफाइड इंसुलिन प्रिपरेशन. फर्स्ट वन इज कन्वेंशनल इंसुलिन, सेकेंड इज द हाईली
highly purified insulin preparation. So in 1970, improved technique were applied to produce highly purified and practically non-antigenic insulins. And pork insulin being more homologous to human insulin and less immunogenic. अब उसमें conventional preparation में क्या था, 1% antigenic activity था, तो highly purified insulin में क्या किया गया, antigenic activities को reduce कर दिया गया. और pork insulin being the more homologous to human insulin, pork insulin जो है human insulin से ज़्यादा homologous है, ज़्यादा similar है and less immunogenic है, क्योंकि antigenic property या activity कम रहता. जेल फिल्ट्रेशन रिड्यूसेस इट्स एंटीजेनिक एंड देयर टू टाइप्स. अब इसको जेल फिल्ट्रेशन से एंटीजेनिक एंटीजेनिसिटी को रिड्यूस किया गया. एंड ये दो टाइप्स के हो सकते हैं. सिंगल पीक इंसुलिन, सिंगल पीक में क्या था, क्या है, प्यूरिफाइड बाई जेल फिल्ट्रेशन, जेल फिल्ट्रेशन से प्यूरिफाई किया गया. और एंटीजेनिसिटी कितना, 50 to 200 ppm प्रो इंसुलिन. प्रो इंसुलिन का जो एंटीजेनिसिटी, इसको 50 से 200 ppm तक कर दिया गया, जो पहले 10,000 ppm था. पैंक्रियाटिक पेप्टाइड एंड इंसुलिन डेरिवेटिव रिमेन अनक्लियर, लेकिन इसमें भी पेप्टाइड्स, पैंक्रियाटिक पेप्टाइड्स को और अदर इंसुलिन डेरिवेटिव को फिल्टर नहीं कर पाया. दूसरा टाइप है मोनोकम्पोनेंट इंसुलिन. मोनोकम्पोनेंट इंसुलिन का क्या बेनिफिट हुआ, आफ्टर जेल फिल्ट्रेशन प्यूरिफाइड बाई आयन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी. इंसुलिन को हाईली प्यूरिफाइड इंसुलिन में पहला क्या किया गया, जेल फिल्ट्रेशन किया गया. उसके बाद क्या किया गया, आयन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी से भी फिल्टर किया गया. कंटेन 20 ppm प्रो इंसुलिन, वो 50 ppm से रिड्यूस करके 20 ppm कर दिया गया. इम्यूनोजेनेसिटी ऑफ पोर्क मोनोकम्पोनेंट इंसुलिन इज सिमिलर टू ह्यूमन इंसुलिन, मोर स्टेबल, कॉजेज लेस इंसुलिन रेजिस्टेंस और लाइपोडिस्ट्रॉफी. So this is more homologous to human insulin. Dose will be the highly purified monocomponent insulin, regular insulin 14 international unit per ml, highly purified MC Lente 40 international unit per ml, and highly purified MC pork isophen that is 40 IU per ml can be given. ये भी तीनों form में, regular and plain में भी available है, Lente form में भी available है, isophen में भी available है. Another type is human insulin. In 1980, obtained by recombinant DNA technology by E. coli and the yeast. 1980 में पहली बार human insulin बनाया गया from by recombinant DNA technology from E. coli and the yeast. Enzymatic modification of porcine insulin को modify करके भी human insulin बनाया जाता है. Advantages क्या हो सकता है, more water stable. ओके, मोर रैपिड सबक्यूटेनियस एब्जॉर्प्शन बिकॉज ह्यूमन इंसुलिन, बिकॉज मोर होमोलोगस टू ह्यूमन, बिकॉज ह्यूमन हैज ह्यूमन इंसुलिन एंड फ्रॉम आउटसाइड इफ यू टेक ह्यूमन इंसुलिन दैट इज अ वेरी गुड फॉर बॉडी. मोर वाटर सेलेबल, वेरी रैपिड सबक्यूटेनियस एब्जॉर्प्शन, अर्लियर एंड मोर डिफाइंड पीक, लेस एलर्जी बिकॉज दिस इज अ ह्यूमन इंसुलिन. सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ ह्यूमन इंसुलिन. इंडिकेशन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन, कब कब दिया जाना चाहिए, इंसुलिन रेजिस्टेंस, जब इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाए तो दीज आर द गुड कैंडिडेट ऑफ ह्यूमन इंसुलिन. एलर्जी टू कन्वेंशनल प्रिपरेशन, जब कन्वेंशनल जो इंसुलिन है उनका एलर्जी हो तो ह्यूमन इंसुलिन दिया जाना चाहिए. इंजेक्शन साइट लाइपोडिस्ट्रॉफी, बिकॉज ये दिस इज अ डायबिटीज इज अ क्रोनिक डिसीज एंड मल्टीपल इंजेक्शन से वहाँ पर लाइपोडिस्ट्रॉफी होने का चांस है, लेकिन अगर वहाँ पर लाइपोडिस्ट्रॉफी हुआ है तो ह्यूमन इंसुलिन इंडिकेट करना चाहिए या प्रिफर करना चाहिए. ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है वहाँ पर अगर डायबिटीज हुआ है उनको इंसुलिन देना है तो ह्यूमन इंसुलिन को प्रीफर करना चाहिए. एंड ऐसा जहाँ शॉर्ट टाइम इंसुलिन को यूज करना हो दैट टाइम वी शुड प्रीफर ह्यूमन इंसुलिन. अनदर इम्पोर्टेंट टाइप्स इज इंसुलिन एनालॉग. इंसुलिन एनालॉग इज अ बेसिकली इट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ पोजिशन ऑफ एमाइनो एसिड यील्ड्स इंसुलिन एनालॉग. इंसुलिन का जो स्ट्रक्चर है इट का, इट हैज टू एमाइनो एसिड चेन, ए चेन एंड बी चेन. ए चेन हैज 20 एमाइनो एसिड एंड बी चेन हैज 30 एमाइनो एसिड. सो देयर इज सर्टेन चेंजेस इन एमाइनो एसिड सिक्वेंसेज एंड द यील्ड इंसुलिन इज अ इंसुलिन एनालॉग. मतलब इंसुलिन को
स्ट्रक्चर में कुछ चेंज करके जो इंसुलिन फॉर्म हो रहा है उसको इंसुलिन एनालॉग बोलते हैं। एनालॉग्स ऑफ इंसुलिन हैव बीन प्रोड्यूस्ड विद मॉडिफाइड फार्माकोकाइनेटिक बट सिमिलर फार्माकोडायनामिक। इट प्रोवाइड्स ग्रेटर स्टेबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी। उसमें सबसे पहले था इंसुलिन लिस्प्रो। इंसुलिन लिस्प्रो इज अ इंसुलिन एनालॉग। ये कैसे बनाया गया? टी प्रोड्यूस्ड बाय इन्वर्सिंग प्रोलीन एट बी चेन ऑन 28 विथ लाइसिन एट बी 29। ये बी चेन है, ये चेन है। बी चेन के 28 नंबर पे लाइसिन और 29 पे प्रोलीन को एक्सचेंज कर दिया गया एंड द इंसुलिन फॉर्म्ड इज इंसुलिन लिस्प्रो। फॉर्म्स वीक हेक्सामर्स, डिसोसिएट रैपिडली, नीड्स टू बी इंजेक्टेड इमीडिएटली बिफोर और इवन आफ्टर द मील्स। बेटर कंट्रोल ऑफ मील टाइम ग्लाइसेमिया एंड लोअर इंसिडेंस ऑफ लेट पोस्ट प्रेंडियल हाइपोग्लाइसेमिया। 100 माइक्रो पर ml इंजेक्शन कैन बी गिवेन। अनदर इंपॉर्टेंट इंसुलिन एनालॉग इज इंसुलिन एस्पार्ट। एस्पार्ट कैसे? प्रोलीन एट बी 28 ऑफ ह्यूमन इंसुलिन रिप्लेस्ड बाई एस्पार्टिक एसिड। इंसुलिन एस्पार्ट में बीटा चेन के 28 नंबर पे एस्पार्टिक एसिड डाल दिया गया, दैट्स व्हाट वी कॉल इंसुलिन एस्पार्ट। चेंजेस रिड्यूस टेंडेंसी फॉर सेल्फ एग्रीगेशन एंड टाइम ऑफ एक्शन, गिव सेम एक्शन एज अ लिस्प्रो। अनदर इंसुलिन एनालॉग इज इंसुलिन ग्लियुलोसिन। ग्लियुलोसिन में क्या हुआ? लाइसिन रिप्लेस एस्पार्जिन एट बी 23। बीटा चेन के 23 नंबर पे लाइसिन से रिप्लेस कर दिया गया आर्जिनिन से एंड ग्लूटामिक एसिड रिप्लेसेस लाइसिन एट पोजिशन बी 29 एंड द यील्ड इंसुलिन इज इंसुलिन ग्लियुलिसिन। अनदर इंपॉर्टेंट इंसुलिन एनालॉग इज इंसुलिन ग्लार्जिन। ग्लार्जिन कैसे किया गया? प्रिपेयर्ड बाई एडिंग वन ग्लाइसिन एट ए चेन। एक ग्लाइसिन को ए चेन के 21 नंबर टुगेदर विद द टू आर्जिनिन रेसिड्यू एट द एंड ऑफ बी चेन। बी चेन पे टू आर्जिनिन रेसिड्यू को ऐड किया गया। इंप्रूव्ड स्टेबिलिटी, मच बेटर बायबिलिटी, लॉन्गर एक्टिंग, स्मूथ पीकलेस इफेक्ट इज ऑब्टेंड, फास्टिंग एंड इंटर डाइजेस्टिव ब्लड ग्लूकोज इफेक्टिवली लोअर रिस्पेक्टिव टाइम ऑफ द डे, लोअर हाइपोग्लाइसेमिक एपिसोड्स, कैन नॉट बी मिक्सड विथ अदर इंसुलिन एंड 100 इंटरनल इंसुलिन पर ml इन 3 ml पेन इंजेक्टर 5 ml वायल इज अवेलेबल। इंसुलिन डेटिमिर, दिस इज ऑल्सो अनदर इंपॉर्टेंट इंसुलिन एनालॉग। सलोबल एक्ट, लॉन्गर एक्टिंग। बैसल इंसुलिन एनालॉग विथ फ्लैट एक्शन प्रोफाइल एंड प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन। दीज आर द मेजर एडवांटेज ऑफ इंसुलिन डेटिमिर। माइस्ट्रिक एसिड अटैच टू द टर्मिनल लाइसिन एंड थ्रियोनिन इन बी 30 इज ओमेटेड। बी 30 पे लाइसिन एंड थ्रियोनिन को ओमेट किया जा सकता है। गिवन ट्वाइस अ डेली, नॉट मिक्सड विद द अदर। इंसुलिन डेटिमिर इज अ लॉन्गर एक्टिंग बैसल इंसुलिन एनालॉग विथ फ्लैट एक्शन प्रोफाइल एंड ऑल्सो प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ द एक्शन। और माइस्ट्रिक एसिड जो है उसको अटैच टू द टर्मिनल लाइसिन एंड थ्रियोनिन इन बी 30 ओमिटेड। थ्रियोनिन को बी 30 से ओमिट कर सकता है और माइस्ट्रिक एसिड टर्मिनल लाइसिन पे जाके अटैच हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड इंसुलिन डेटिमिर। एक्शन प्रोफाइल्स ऑफ इंसुलिन, उसमें एक्शन प्रोफाइल्स अगर हम बात करते हैं तो दीज आर द टाइम इन आवर एंड दीज आर द प्लाज्मा इंसुलिन लेवल। सो एस्पार्ट ग्लियुलोसिन लिस्प्रो का जो एक्शन है 4 to 5 hours, रेगुलर इंसुलिन 6 to 8 hours, एनपीएच इंसुलिन 12 to 16 hours, डेटिमिर इंसुलिन अप्रोक्सीमेट 14 hours, अल्ट्रालेंटे 18 to 20 hours एंड ग्लार्जिन दैट इज अप्रोक्सीमेट 24 hours। दो दिस इज द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ द डिफरेंट इंसुलिन। लास्ट वन इज अ इंसुलिन मिक्सर। लास्ट टाइप इज अ इंसुलिन मिक्सर। दिस इज मिक्सर ऑफ शॉर्ट, इंटरमीडिएट एंड द लॉन्गर एक्टिंग। तो शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग, लॉन्गर एक्टिंग को हम मिक्स कर सकते हैं, गिवन फॉर रैपिड ऑनसेट एंड लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। तीनों को मिक्स करके एक तो उसको फास्ट एक्शन कर सकते हैं और लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए भी बना सकते हैं। एनपीएच इंसुलिन में मिक्सड विद रेगुलर बिफोर यूज। एनपीएच को रेगुलर के साथ मिक्स कर सकते हैं बिफोर इंजेक्शन। बेस्ट एग्जाम्पल, 1 dose ऑफ ग्लार्जिन इंसुलिन एनालॉग। वन इफ यू टॉक अबाउट इंसुलिन, ग्लार्जिन इज बेसिकली इंसुलिन एनालॉग। तो 1 dose ऑफ ग्लार्जिन वंस डेली एंड 2 to 3 इंजेक्शन ऑफ लिस्प्रो
एंड वन डोज बिफोर ईच मील. एक डोज ग्लार्जिन का ले सकते हैं वंस डेली और दो से तीन इंजेक्शन लिस्प्रो का और एक डोज बिफोर ईच मील. जब भी खाना खाए उससे पहले एक डोज हम ले सकते हैं एज ए इंसुलिन मिक्सचर. एडवर्स इफेक्ट ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन का एडवर्स इफेक्ट भी है बिकॉज इट इज अ वेरी गुड ड्रग फॉर रिडक्शन ऑफ ब्लड ग्लूकोज कंसेंट्रेशन. तो ये हाइपोग्लाइसेमिया भी करते हैं. हाइपोग्लाइसेमिया रिडक्शन ऑफ ब्लड ग्लूकोज. अब ज़्यादा इंसुलिन एक्ट कर दिया या डोज ज़्यादा हो गया किसी किसी में, दिस इज अ मेजर साइड इफेक्ट कि वो हाइपरग्लाइसेमिया को रिड्यूस तो करते हैं लेकिन हाइपोग्लाइसेमिया भी करते हैं. लोकल रिएक्शन होने के चांस रहेगा, लाइपोडिस्ट्रॉफी, लाइपोएट्रोपी होने के चांस रहेगा, एलर्जिक होते हैं अगर एंटीजेनिक है, ओबेसिटी कर सकता है ज़्यादा, इंसुलिन इंड्यूस्ड एडिमा प्रोड्यूस कर सकता है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एडवर्स इफेक्ट ऑफ इंसुलिन, हाइपोग्लाइसेमिया, लोकल रिएक्शन, लाइपोडिस्ट्रॉफी, लाइपोएट्रोपी, एलर्जी, ओबेसिटी एंड इंसुलिन इंड्यूस्ड एडिमा कैन बी पॉसिबल फ्रॉम यूजिंग इंसुलिन. ड्रग इंट्रैक्शन ऑफ इंसुलिन, there are some certain drugs which can interact with insulin. beta blockers mask tachycardia. अगर कोई डायबिटीज है उसको बीटा ब्लॉकर दे रहे हैं अगर इंसुलिन पे है तो टैकीकार्डिया कर सकता है. अल्कोहल प्रिसिपिटेट हाइपोग्लाइसेमिया, इंसुलिन हाइपोग्लाइसेमिया तो करता ही है लेकिन अगर अल्कोहल लिया जाए तो हाइपोग्लाइसेमिया को और प्रिसिपिटेट कर सकता है. सैलिसिलेट्स, लिथियम एंड थियोफाइलिन में एसोनिएट हाइपोग्लाइसेमिया. इंसुलिन तो हाइपोग्लाइसेमिया करता ही है लेकिन अगर सैलिसिलेट्स हो, लिथियम और थियोफाइलिन अगर साथ में दिया जाए तो हाइपोग्लाइसेमिया को और बढ़ा सकते हैं. यूजेज ऑफ इंसुलिन तो कहाँ यूज हो सकता है, सबसे पहले तो डायबिटीज मेलाइटस में यूज होगा, उसमें भी इट इज अ वेरी फॉर वेरी गुड फॉर टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस. इंसुलिन कैन बी यूज इन डायबिटीज मेलाइटस बट इट इज वेरी गुड फॉर टाइप 1 बिकॉज टाइप 1 डायबिटीज इज पेशेंट इज टोटली डिपेंड ऑन इंसुलिन एंड ऑल्सो यूज इन टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस. तो टाइप 1 में भी हो गया, टाइप 2 में भी हो गया. डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, अब डायबिटिक कीटोएसिडोसिस क्या है और कैसे ट्रीटमेंट करेंगे हम आगे लेक्चर में है, आगे हम देखेंगे. करेक्शन ऑफ हाइपरग्लाइसेमिया, अगर किसी को हाइपरग्लाइसेमिया अगर किसी भी कारण से हो तो वहाँ पे करेक्शन करने के लिए भी इंसुलिन को यूज करते हैं, कर सकते हैं. इफ द पेशेंट हैव हाइपरग्लाइसेमिया दिस डजंट मीन द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज, या हाइपरग्लाइसेमिया कैन बी हैपन या कैन हैपन फॉर अ शॉर्ट पीरियड, उसको ट्रीट करने के लिए हम इंसुलिन को यूज कर सकते हैं. इंसुलिन डोज कितना डोज में, द डोज शुड बी कैलकुलेटेड बाय मॉनिटरिंग ब्लड ग्लूकोज एंड ग्लाइकोसाइलेटेड हेमोग्लोबिन लेवल. मल्टीपल डोज ऑफर अ बेटर ग्लाइसेमिक कंट्रोल, एक डोज से बेटर है कि मल्टीपल डोज दिया जाए फॉर अ बेटर ग्लाइसेमिक कंट्रोल. इन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस डोज वैरी फ्रॉम 0.221 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी बट इन ओबेज द रिक्वायरमेंट में बी हायर. इन टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस डोज वैरी फ्रॉम 0.2 to 1.6 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी एंड पर डे. सो दीज आर द डोज फॉर इंसुलिन. इंजेक्शन साइट, दीज आर द साइट, आर्म्स, अपर आर्म्स, बटक, थाई, हेयर वी कैन इंजेक्ट इंसुलिन. इंसुलिन रेजिस्टेंस, ए स्टेट इन विच अ नॉर्मल अमाउंट ऑफ इंसुलिन प्रोड्यूसेस सब नॉर्मल अमाउंट ऑफ इंसुलिन रिस्पॉन्स इज कॉल्ड इंसुलिन रेजिस्टेंस. हेयर रिड्यूस्ड इंसुलिन रिसेप्टर्स बिकॉज ऑफ इंसुलिन रिसेप्टर्स एंड ऑल्सो रिड्यूस एफिनिटी फॉर रिसेप्टर्स. सो दिस कॉजेज इंसुलिन रेजिस्टेंस बट इट मे बी एक्यूट और क्रोनिक एंड वी कैन शो द रिक्वायरमेंट ऑफ इंसुलिन मोर देन 200 यूनिट्स पर डे एंड दैट टाइम दैट केस विल बी द इंसुलिन रेजिस्टेंस कॉमन इन टाइप 2 डायबिटीज एंड ओबेज. ज़्यादातर इंसुलिन रेजिस्टेंस का चांस होने का वो है टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट में और ओबेज हो, जो ओबेज पेशेंट हो, ज़्यादा मोटा हो, फैटी हो, ऐसे केसेस में इंसुलिन रेजिस्टेंस होने का चांस ज़्यादा रहेगा. जब भी 200 यूनिट से ज़्यादा इंसुलिन का रिक्वायरमेंट पर डे होना शुरू हो गया दिस मीन्स दिस पार्टिकुलर पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम इंसुलिन रेजिस्टेंस. इंसुलिन डिलीवरी डिवाइसेस, इंसुलिन को डिलीवरी कैसे किया जाए, तो दिस विल बी अवेलेबल इन प्री फिल्ड इंसुलिन सिरिंज, पेन डिवाइसेज,
jet injectors, inhaled insulin, insulin pumps, external artificial pancreas. So these are in this way insulin can be administered in the body. We'll discuss one by one. So this is insulin pump. So insulin pump administer insulin through catheter in the abdominal fat to help or control a person blood sugar level. This is insulin pump. This will help via catheter in a abdominal fat. So insulin pumps ka pro and cons ho sakta hai. Pro, simple insulin doses, simplified insulin dosing, precise delivery, greater impact in those with highest glycosylated hemoglobin level, slightly less insulin used per day. Cons ho sakta hai, more decay, diabetic ketoacidosis hone ka chance zyada hai and more severe hypoglycemia hone ka chance zyada hai insulin pump se. Pain injector se bhi insulin liya ja sakta hai, easy to carry. Easy to accurately measure the dose and more expensive than the vials. Vials से ये ज़्यादा expensive हो सकता है. Jet injectors से भी होते हैं. Jet injectors भी you can administer insulin by jet injectors. Needleless system, इसमें needle का use का कोई जरूरी नहीं है. Uses high pressure air to force tiny stream of insulin through the skin. Skin में high pressure से force से उसको administer करा सकते हैं insulin. So there is no use of the needle. In nowadays very good inhaled insulin, that is Exubera, is available. These are the certain advantages over another method of insulin administration. This is improved patient convenience, faster onset of action compared to regular subcutaneous insulin, no needles, risk of infection, lipodystrophy होने के chance नहीं है, कोई infection होने के chance नहीं है injection site पे. Potential earlier onset of insulin therapy in type 2 diabetes mellitus. Insulin Exubera, inhaled insulin, you can say Exubera, it has certain advantages over other conventional method of insulin administration. Another important parenteral drugs apart from insulin is glucagon like peptide 1 receptor agonist. So here GLP-1 is an important incretin based from the gut in response to ingested glucose. जब भी हम glucose लेते हैं, जब भी खाना खाते हैं या carbohydrate intake करते हैं, तो GLP-1 is activated. And this GLP-1 is responsible for secretion of insulin from pancreatic beta cells. But it suppresses appetite by activating a specific GLP-1 receptors. ये appetite को भी suppress करता है. GLP-1 induce insulin release only at high glucose concentration. लेकिन GLP-1 तभी insulin release के लिए induce करेगा जब glucose concentration बहुत high हो. The incretin system appears to promote beta cell health as well by decreasing islet of cell apoptosis. लेकिन GLP-1 based therapy appears to be most effective measure to preserve beta cell function in type 2 diabetes mellitus because it has also decreased cell apoptosis and it promotes the beta cell health. That's why it will help to secrete insulin from the beta cell of the pancreas. But GLP-1 itself is not suitable for clinical use. लेकिन GLP-1 agonist को suitable नहीं माना जाता है for clinical use because this GLP-1 agonist immediately destroyed by this enzyme dipeptidyl peptidase 4. तो जैसे ही carbohydrate लेते हैं, जो भी खाना खाते हैं या glucose concentration increase होता है या high carbohydrate intake होते हैं, तो incretin system, जैसे intestine system में एक hormone होता है, इसको बोलते हैं incretin hormone या GLP-1. वो इंड्यूस करता है पैंक्रियाज को इंसुलिन सिक्रेशन के लिए. लेकिन वो GLP-1 बहुत जल्द या रैपिडली डिस्ट्रॉय हो जाता है DPP-4 एंजाइम से. तो DPP-4 एंजाइम GLP-1 को रिड्यूस कर सकता है, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है. तो थेरापेटिकली GLP-1 क्लिनिकली यूज नहीं होता है, उसका इंपॉर्टेंस नहीं है. एक ड्रग है जिसका यूज होता है GLP-1 agonist, दैट इज एक्जिनाटाइड, एंड अदर इज लिराग्लुटाइड. विल डिस्कस अबाउट एक्जिनाटाइड. इट इज अ सिंथेटिक DPP-4.
resistant analog which activates GLP-1 receptors and produce the same responses what the GLP-1 is going to produce. After subcutaneous injection, the plasma half-life approximate 3 hours and duration of action is 6 to 10 hours. Injected subcutaneous before breakfast and dinner, it is used as an add-on drug to the metformin or sulfonylurea or combination of these or pioglitazone in poorly controlled type 2 diabetes. जिस पीसीबी पेशेंट में ऑलरेडी ओरल हाइपोग्लाइसेमिक दिया जा रहा है द मेटफॉर्मिन सल्फोनिलूरिया और कॉम्बिनेशन ऑफ दिस ड्रग्स और पायोगेल्टाजोन फिर भी टाइप 2 डायबिटीज कंट्रोल नहीं है देन वी कैन एडमिनिस्टर सबक्यूटेनियसली एक्जिनेटेड. बेनिफिट ऑफ नोटेड आर लोअरिंग पोस्ट प्रैंडियल एज वेल एज फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज HbA1c एंड बॉडी वेट को रिड्यूस करता है बिकॉज GLP-1 ऑल्सो सप्रेस द एपिटाइट. Benefits are noted postprandial as well as fasting blood glucose. Side effect are nausea, vomiting occurring in approximate 50% of the recipient, but tolerance develops later. अगर chronically use किया गया, बहुत लंबा time के लिए use किया, longer duration के लिए use किए, तो tolerance develop हो सकता है. Acute pancreatitis is the risk. जो भी exenatide use करते हैं, उनमें pancreatitis होने का chance रहता है. Initially 5 micrograms subcutaneous before breakfast and dinner increase to 10 micrograms BD agar required ho. Another important parenteral drugs for treatment of type 2 diabetes or type diabetes is amylin analog. It is a basically islet's amyloid polypeptide. Isko bhi ye bhi kehte hain. Amylin analog is also called islet amyloid polypeptide is produced by pancreatic beta cells. Reduced glucagon secretion, delays gastric emptying, retard glucose absorption and promote satiety. मतलब खाना अगर खाते हैं तो जल्दी satisfied हो जाते हैं इसीलिए ज़्यादा खाना नहीं खा पाते हैं. If you taking amylin analog, the common drug which is used as amylin analog is pramlin teat. So this is a synthetic amylin analog. Which on subcutaneous injections before meal attenuates postprandial glycemia. Duration of action is 2 to 3 hours. It is used in supplemental meal time insulin injection when insulin alone fails to control postprandial glycemic peak. अगर insulin अकेले postprandial hyperglycemia को control नहीं कर पा रहे हैं, then we can also use amylin analog in both type 1 or type 2 diabetes. Hypoglycemia is the most important adverse effect. Lekin it also causes hypoglycemia. Loss of appetite, nausea, vomiting are the other side effects. Reduction in body weight is an additional benefit because it also produces loss of appetite. Thank you. And here I want to say insulin, amylin analog and GLP-1 analog. Both three drugs given parenterally and subcutaneously, these drugs are not available in oral form because it completely destroys or completely goes into the first pass metabolism. Thank you. So this is very important lecture and mainly the anti-diabetes asked in a long question. So you can make a note also by pausing my video lecture. So thank you very much and I will request all to like and subscribe my YouTube channel. Thank you.